जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। अगर आप धन लाभ चाहते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है, तो आप ये उपाय करिएगा। या फिर आप बहुत ज़्यादा संकट में पड़ चुके हैं और आप उस संकट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप संकटों से छुटकारा चाहते हैं, तब आप ये उपाय करिएगा। या फिर आप अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तब आप ये उपाय करिएगा। यह उपाय आप काली मिर्च से करेंगे। काली मिर्च हर एक घर में रसोई में उपलब्ध होता है। बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप ये उपाय करेंगे। उससे पहले आप लोग बाबा बागेश्वर धाम का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक उपाय बताऊँगा। मैं आपको यहाँ पर पूरे चार उपाय बताऊँगा। अगर आप यह पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं और चारों उपाय देख लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, तो आप लोग आधा अधूरा ज्ञान मत लेना। आप लोग सारा वीडियो यहाँ पर देखना, उसके बाद ही आप लोग उपाय करना, ठीक है। देखिए, धन समस्या अगर आपको है, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में हैं धन से, तो आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है, देखिए, आपको काली मिर्च लेना है, तो आप काली मिर्च रसोई से भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, आपको रसोई से भी काली मिर्च मिल जाएगा। तो आपको कितना यहाँ पर काली मिर्च चाहिए, आपको पाँच काली मिर्च, यानी पाँच काली मिर्च के दाने लेना है। साबुत दाने होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने पाँच काली मिर्च के दाने ले लिए, अब इसे आपको क्या करना है, आप इस काली मिर्च के दाने को सात बार अपने सर के ऊपर, ध्यान रखें, अपने सर के ऊपर आपको घुमाना है। कितनी बार, सात बार आपको पाँच काली मिर्च अपने सर के ऊपर घुमाना है। अब घुमा कर आपको क्या करना है, आप किसी चौराहे पर चले जाएंगे। देखिए, यह चौराहा है, मैं आपको इस फोटो में दिखाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। एक यहाँ पर रोड इधर से आया है, एक रोड इधर से आया है, एक रोड इधर से और एक रोड इधर से, ठीक है। जब चार रोड एक जगह पर मिलते हैं, उसे चौराहा कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आ करके, ध्यान रखना, आप यहाँ पर आ करके जो आपने पाँच काली मिर्च लिया है अपने सर पर, जो आपने घुमाया था, एक काली मिर्च आप यहाँ पर फेंकेंगे, एक यहाँ पर फेंकेंगे, एक यहाँ पर, एक आप यहाँ पर, ठीक है। और जो पाँचवा काली मिर्च है, आप यहीं पर अपने सर के ऊपर फेंक देंगे, ठीक है। अब सर के ऊपर फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, और यहाँ पर आप अपने घर पर सीधे चले आएंगे, ठीक है। अगर आप यह करते हैं, तो आप देखेंगे आपके घर में धन की जो समस्या है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि चौराहे पर तो मैं यह उपाय नहीं कर सकता, तो कैसे करेंगे, कहीं जहाँ पर सुनसान होगा, जहाँ पर कोई भी ना हो, आप वहाँ पर ये उपाय करिए, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर पहला उपाय बताया, अब चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं, आपको दूसरा उपाय कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत से लोगों के ऊपर शनि का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। कहा जाता है जिसके ऊपर शनि देव का प्रकोप हो जाता है, वह का जिंदगी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, वह जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं पा सकता, ठीक है। अगर आपके भी ऊपर कहे शनि का प्रकोप है, तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बीमार हो रहा है, बार बार असफल हो रहा है, तो वह यह उपाय अवश्य करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक लेना है काला कपड़ा। ध्यान रखना, आपको क्या लेना है, काला कपड़ा। तो आप काला कपड़ा मार्केट में जाकर के ले सकते हैं। ध्यान रखना, आपको काला कपड़ा ले लेना है, और उसके बाद काला कपड़ा लेने के बाद आपको 11 रुपये, ध्यान रखना, आप हो सके तो एक 10 का सिक्का ले लीजिए और एक का सिक्का ले लीजिए, टोटल आपको 11 रुपये लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 11 रुपये आपको इस काले कपड़े पर, ध्यान रखना, काला कपड़ा और 11 रुपये का सिक्का ले करके आप मंदिर में जाएंगे। कहाँ पर शनि देव होगा, जहाँ पर मंदिर होगा, आपको वहीं पर चले जाना है। अब मंदिर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, जो मंदिर के बाहर गरीब भिखारी बैठते हैं, ध्यान रखना, वो को देना है, जो ज़रूरतमंद, जिसको ये आवश्यकता है, आप एक कपड़ा लाल, एक कपड़ा आपको काला कलर और 11 रुपये आपको उसको दे देना है, ठीक है। अब देखिए, यह जब आप देते हैं, तो आपके ऊपर जो शनि देव का प्रकोप होता है, उससे ये छुटकारा आपको मिल जाएगा। आपके परिवार में जिसके भी ऊपर होगा, सभी के ऊपर जो है छुटकारा यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप यह उपाय करते हैं तो, ठीक है। चलिए हम आपको अब तीसरा उपाय बताते हैं कि आप तीसरा उपाय कैसे करेंगे। देखिए, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बार बार काम करते हैं, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। इंटरव्यू देने जाते हैं, तब भी असफल हो जाते हैं। अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा असफल हो चुके हैं, वह रोने लगते हैं बार बार, तो वह यह उपाय करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको कैसे करना है यह उपाय, देखिए आपको क्या करना है, आपको काली मिर्च चाहिए, तो आप काली मिर्च ले लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको काली मिर्च लेना है, तो आप थोड़ा सा काली मिर्च यहाँ पर ले लेना, ठीक है। हो सके तो आप एक दाने ले लीजिए, हो सके तो आप दो दाने यहाँ पर काली मिर्च ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब आप काली मिर्च ले लेते हैं, तो आप घर से बाहर जब निकलते हैं, जो आपका मुख्य द्वार होगा घर का, जो मेन गेट होगा, ध्यान रखना, जो मेन गेट होगा, ठीक है,
आप क्या करेंगे, वहीं पर यह काली मिर्च आपको रख देना है। ठीक है, मान लीजिए मुख्य द्वार है, आपके यहाँ पर काली मिर्च रख दीजिए। अब आप कहीं पर घर से बाहर जा रहे हैं, शुभ काम के लिए आपका शुभ काम नहीं हो रहा, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ये उपाय करिए, क्या करिएगा, आप मुख्य द्वार पर काली मिर्च रखिए, उसके ऊपर उसको डाकते हुए आप चले जाइए। ठीक है, उसको डाकते हुए आप चले जाइए। जब आप इसे डाकते हुए जाएंगे, जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, वह काम आपका सफल हो जाएगा, आपका यात्रा जरूर सफल होगा, तो आप यह उपाय अवश्य करिएगा। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, वह यह उपाय अवश्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको चौथा उपाय बताते हैं, चौथा उपाय आपको कैसे करना। ठीक है, देखिए चौथा उपाय आप कब करेंगे, मान लीजिए आपके घर में किसी का बहुत बुरी नज़र लगा हुआ, जैसे मान लीजिए आप पहले बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उसके बाद आपने सबको बता दिया कि हम इतना रुपये कमा रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत से लोगों का बुरी नज़र लग जाता है, जो आप पैसा कमाते हैं वो भी पैसा कमाना बंद हो जाते हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, बीमारी हो जाता है आपको, आपने अक्सर देखा होगा जब छोटे बच्चे रोते हैं तो माँ क्या करती है, साथ यहाँ पर लाल मिर्ची लेकर के उसे सर पे घुमा करके इसे जला देती है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे ही यहाँ पर करना है, कैसे करना है ध्यान रखना, देखिए आपको क्या करना है, आपको सात ले लीजिए या फिर आठ ले लीजिए। ठीक है, आपको काली मिर्च लेना है, क्या लेना है, काली मिर्च आपको लेना, सात दाने या फिर आठ दाने आप काली मिर्च ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए काली मिर्च लेने के बाद आप क्या करें, घर के किसी कोने में काली मिर्च में ध्यान रखना, काली मिर्च आपको लेना है और एक दीपक लेना है, दीपक। ठीक है, दीपक आप ले लीजिए, दीपक तो आपको एक दीपक जलाना है। ठीक है, घर के किसी कोने में ध्यान रखना, ये आपका घर है, एक कोना हो गया है, आप यहाँ पर एक दीपक जलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब एक दीपक जलाते हैं तो उसी दीपक के अंदर जो आपने काली मिर्च लिया है, सात या फिर आठ दाने आप उस दीपक में डाल देंगे, आप उस दीपक में डालकर जला देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो आपके घर में बुरी नज़र हो गई, जिसके वह बुरी नज़र समाप्त हो जाएगा, नज़र दोष समाप्त हो जाएगा, आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी अगर आपके घर में होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरे आपको चार उपाय बताने हैं, चारों उपाय को आप अवश्य करिएगा, चारों उपाय एकदम लाभकारी है, आप उपाय जरूर करिएगा, 110% यहाँ पर आपको यह लाभ मिलेगा अगर आप सच्चे दिल और श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं तो। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले वीडियो को देख पाओ, सबसे पहले आप उपाय को कर पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।